अभी हमारे पास सनोवा हमारा पड़ा हुआ है, अपनी इम्पोर्ट है खुद की। ये सनोवा जी, ये भी 2 दिन पहले तक मेरे पास 3 कंटेनर थे, अब मेरे पास सिर्फ अच्छा, एक कंटेनर ही बचा है। अब इस पे लोड आ गया। अब इस पे लोड आ गया। ये सनोवा ब्रांड है हमारा, 575 वॉट का है, एन टाइप बाईफेशियल टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का मार्केट में। हाँ, जहाँ से भी रेट मिलता है आप हमारे पास आए कि भाई मुझे ये रेट मिला है, क्या पॉसिबिलिटी, जो हमारे से पॉसिबिलिटी होगी हम उनके काउन करेंगे। इसके अलावा अपने पास लॉन्जी पड़ा हुआ है थोड़ा सा, यहाँ कुछ पीस पड़े हुए, कुछ पीस ये बचे हुए, लिमिटेड स्टॉक है, पैलेट कंटेनर की डील ये भी नहीं अवेलेबल, लूज में मिल जाएगा। इन्वर्टर में भी आप देख सकते हैं हमारे पास ग्रोवॉट का भरपूर स्टॉक आ चुका है, मार्केट में भी शॉर्ट चल रहा है माशाल्लाह से, ग्रो वॉट तो फुल आपके पास आया है, इधर पीछे भी बड़ा हुआ है, उधर पीछे भी बड़ा हुआ है माशाल्लाह। तो ये तो ऑन ग्रिड है ना? ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, इसमें 10 किलो वॉट, 15 किलो वॉट और 20 किलो वॉट और 25 किलो वॉट चारों मॉडल अवेलेबल है। 10 वाला तो भी मार्केट में टिकट है, गायब है, किसी के पास पड़ा हुआ ही नहीं, बहुत कम लिमिटेड है, 10-12 पीस ही बचे। वेरॉन 1.2 भी पर है, 2.5 भी है, 4 किलो वॉट भी है, 6 किलो वॉट भी है। अस्सलाम वालेकुम हमाद, कैसे हैं भाई? खैरियत से? वालेकुम सलाम दानिश भाई, क्या लेंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अचानक से क्या हो गया मार्केट में कि सोलर पैनल के प्राइसेस वगैरह में कुछ फ्लक्चुएशन हुए? फ्लक्चुएशन हो चुकी है जी, हाँ, बिल्कुल। तो उसके बारे में जरा आप हमारे नाज़रीन को आगाह करें। जी बिल्कुल दानिश भाई, देखें 2 दिन पहले तक तो यही था कि एक नॉर्मल स्टेबल रेट चल रहे जी मार्केट के, बट ये है 2 दिन से अचानक से एक हाइप उठी है, फ्लक्चुएशन की वजह से रेट्स वापस से आसमानों में आ गए, आसमानों नहीं कहूंगा, एक बीच लेवल पे आ चुके हैं। जो लोग पहले 37-36 में पैनल लेके जा रहे थे, आज उनका रेट 41-42 हो गया है, सिंगल 41-42 पे चले गया है, सिंगल ग्लास बायफेशियल तो 45-44 पे आ गया है। लेकिन अभी भी समझ सकते हैं कि रेट फिर भी नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है, नॉर्मल है, वो वाला टाइम नहीं है कि 60-65 पे चला गया, वो भी मे भी हो सकता है, हो जाए, कुछ कह नहीं सकते मार्केट, सोलर मार्केट का कुछ नहीं कह सकते, कल क्या रेट हो, आज क्या रेट हो, दोपहर में क्या रेट है। तो आप क्या मशवरा देंगे आवाम को? मैं तो दानिश भाई इसमें यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके पैनल्स ले लें, मार्केट में शॉर्टेज शुरू हो गई है पैनल्स की, इन्वर्टर्स की। मुझे तो यही लगता है कि अगले इंशाल्लाह अगले महीने तक सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा, पैनल्स भी और इन्वर्टर्स भी, जिनके पास होंगे वो ब्लैक में इसको महंगा करके बेचेंगे। अल्लाह बचाए ऐसे टाइमिंग से। अच्छा अब आप ये बताएं कि इस वक्त आपके पास हाजिर स्टॉक में कुछ है पैनल वगैरह? पैनल अभी हमारे पास सनोवा हमारा पड़ा हुआ है, अपनी इम्पोर्ट है खुद की। ये सनोवा जी, ये भी 2 दिन पहले तक मेरे पास 3 कंटेनर थे, अब मेरे पास एक कंटेनर ही बचा है। अब इस पे लोड आ गया। अब इस पे लोड आ गया। ये सनोवा ब्रांड है हमारा, 575 वॉट का है, एन टाइप बायफेशियल टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का, डबल ग्लास जिसको। तो ये अभी आप कितने में दे रहे हैं? आज इसका रेट 41-42 रुपीस में पहुंच गया है, अगर कोई आपके टाउन से आता है, कोई आपके चैनल के थ्रू आता है, 39 में दे देंगे, 39 में दे देंगे। फिर भी यार जो पॉसिबिलिटी हमारी तरफ से है, हमको बिल्कुल अच्छी से गुड मार्केट से अच्छा रेट देंगे। अच्छा इसके अलावा उसके बाद हमारे पास जिनको एन टाइप बाईफेशियल पड़ा हुआ है, ये भी बहुत लिमिटेड स्टॉक की है, बैक पे पैलेट से कंटेनर अवेलेबल नहीं है, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाएं, मगर अभी तो नहीं है फिलहाल, आज के दिन इसका रेट आज पहुंच चुका है 42 रुपीज़, 42 पर जी, 42 बाईफेशियल है ये, ठीक है। सिंगल ग्लास भी आज 41-42 हो गया, बायफेशियल 42 में इसलिए दे रहा हूँ, मेरे पास थोड़े से पीस ही बचे हुए, पैलेट क्वांटिटी है नहीं तो मैं आपको उसके रेट दे नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, जिनको एन टाइप सिंगल ग्लास पड़ा हुआ है, सिंगल ग्लास, ठीक है, सिंगल ग्लास है ये, इसका भी एक पैलेट ही होगा, एक या दो पैलेट बचे हैं, 2-3 दिन पहले तक 6-7 पैलेट है, मार्केट हाइप होने की वजह से सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इसका रेट है 41-42, ये भी पहुंच चुका है, बट 39 मेरा कोई क्लाइंट आता है आपके थ्रू, 39 में दे देंगे सिंगल ग्लास। यानी कि क्लाइंट बाकी मार्केट दुकानें टच कर ले जी, अगर जो मार्केट में, हाँ जहाँ से भी रेट मिलता है, आप हमारे पास आए कि भाई मुझे ये रेट मिला है, क्या पॉसिबिलिटी, जो हमारे से पॉसिबिलिटी होगी हम उनके टाउन करेंगे, ठीक है। बट मेरा तो फर्स्ट यही मशवरा है, जितना जल्दी हो सके ले लें, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है, हर जगह पे हाइप शुरू हो गई है, गर्मियां भी उरूज पर, गर्मियां शुरू हो गई है, के इलेक्ट्रिक ने 19 रुपए पर यूनिट बढ़ाने का भी ऐलान किया है, कह नहीं सकते न्यूज अप्रूव्ड होती है या नहीं होती, तो बेहतर यही है सोलर लगा लें। और ये भी न्यूज आई हुई है कि 10% सोलर टैक्स लगेगा, तो इस वजह से भी बड़े बड़े इम्पोर्टर्स ने माल रोक लिया है, अपने पास स्टॉक कर लिया कि सेल्स टैक्स लग जाए तो इस वजह से ये और प्राइस हाई हो जाएगी, ठीक है, अल्लाह करे ये अफवाह ही हो। बिल्कुल हाँ, आवाम के लिए तो बहुत बुरा हो जाएगा भाई, बुरा ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा? इसके अलावा अपने पास लॉन्जी पड़ा हुआ है थोड़ा सा, ठीक, यहाँ कुछ पीस पड़े हुए, कुछ पीस ये बचे हुए, लिमिटेड स्टॉक है, पैलेट कंटेनर की डील ये भी नहीं अवेलेबल, लूज में मिल जाएगा, 3850 में फाइनल दे दूंगा, फाइनल दे देंगे, MO X6 580 वॉट, ठीक ठीक है। अच्छा आप थोड़ा सा जरा सोलर इन्वर्टर पर आ जाए। इन्वर्टर में भी आप देख सकते हैं हमारे पास ग्रोवॉट का भरपूर स्टॉक आ चुका है, मार्केट में भी शॉर्ट चल रहा है माशाल्लाह से, ग्रोवॉट तो फुल आपके पास आया है, इधर पीछे भी बड़ा हुआ है, उधर पीछे भी बड़ा हुआ है माशाल्लाह। तो ये तो ऑन ग्रिड है ना? ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, 10 किलो वॉट, 15 किलो वॉट और 20 किलो वॉट और 25 किलो वॉट चारों मॉडल अवेलेबल है। 10 वाला तो भी मार्केट में टिकट है, गायब है,
किसी के पड़ा हुआ ही नहीं, बहुत कम मेरे पास भी लिमिटेड शायद 10-12 पीस ही बचे। ठीक, तो इसके प्राइस कोट कर देंगे आप? इसका आपको 10 किलोवाट का देंगे 265,000 रुपये में। 265,000 आपके चैनल के कोई थ्रू आता है 2-3 हज़ार जो भी डिस्काउंट की पॉसिबिलिटी होगी इंशाल्लाह कर देंगे। ठीक है, 15 वाला जो 15 वाला है वो 3-15 की मार्केट है, आपके अच्छा। चैनल से कोई आता है 3-10 में दे देंगे। ठीक है, 20 वाले का रेट तकरीबन 4-10 है, तो वो जो भी कोशिश करेंगे हम उसको 4-5, 4-8 जो भी सेटिंग बने स्टॉक को देखते हुए जो पॉसिबिलिटी होगी इंशाल्लाह कर देंगे। 25 वाला 4-20 का रेट है, 4-18, 4-16 जैसी सेटिंग बनी इंशाल्लाह कर देंगे। वही मैं रिपीट करूंगा कि लिमिटेड स्टॉक है, तो जो पहले आएगा पहले पाएगा, और ये रेट सिर्फ इसी वीडियो तक के, कुछ गारंटी नहीं है कल क्या रेट हो परसों क्या रेट हो, तो बेहतर है जल्दी आए जल्दी ले जाएं। ठीक, अच्छा इसके अलावा इन्वेरेक्स वालों की कोई आपके पास इन्वर्टर? इन्वेरेक्स का हमारे पास वेरॉन सीरीज पड़ी हुई है, अभी हमने इसको स्टोर नीचे वेयरहाउस में कर दिया क्योंकि बिल्कुल जगह ना होने की वजह से, और ग्रोवर्ट का वो स्टॉक आया है। ऐसी बता दें आप, वेरॉन 1.2 भी पर आया है, 2.5 भी है, 4 किलोवाट भी है, 6 किलोवाट भी है, तो 1x1 इसके बता दें। 1.2 वाला आपको जो पड़ेगा वो पड़ेगा 73,500 का। ठीक है, और 2.5 पड़ेगा 95,000 का, और 4 किलोवाट का आज रेट 185,190 चल रहा है, तो हम आपको फाइनल 180 में दे देंगे 4 किलोवाट का। 6 किलोवाट वाला 260-265 मार्केट हो चुकी है, हम वो फाइनल आपको 255 में दे देंगे। ठीक है, अच्छा ऑल ओवर पाकिस्तान आप डिलीवरीज तो दे रहे हैं ना? जी दानिश भाई, इसमें हम इन्वर्टर्स की तो बिल्टी करा सकते हैं इजीली, लोग कुछ लोग होते हैं जो पैनल्स मांगते हैं, तो हमारा रिकमेंडेशन यही है कि आप पैनल आपके नज़दीक अगर मिल जाए, 1-2 रुपये डिफरेंस में मिलते हैं तो वहीं से ले लें, बेहतर है क्योंकि ये ग्लास है। मेजोरिटी लोग कहते हैं यार ट्रांसपोर्ट करवा दो, ये टूटने का खतरा है, इन्वर्टर्स का इशू नहीं है क्योंकि ये कम्प्लीटली पैक्ड होते हैं, अंदर भी पैक्ड होते हैं, तो ये बिल्टी हो जाएंगे ऑल ओवर पाकिस्तान जहाँ बोलेंगे। ये फ्रोनस की भी जरा रेट फ्रोनस में जी हमारे पास 3.2 पर है, नीचे 2.2 पड़ा और एक 5.2 का मॉडल पड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है, 2.2 आपको पड़ेगा 65 का। ठीक, मजीद देख लेंगे 62 तक हम छोड़ देंगे उसको, ठीक, लिमिटेड 2-3 पीस ही पड़े, और 3.2 आपको पड़ेगा 85 का, इसमें देख लेंगे जो पॉसिबिलिटी बनेगी दे देंगे। ये एक पीस ही शायद पड़ा है, कंफर्म देख लूंगा। 5.2 के मेरे पास 10 पीस पड़े हैं, मार्केट 1.25 की है, मैं आपको 1.20 में दे दूंगा, 1.20 में आप दे देंगे 5.2 किलोवाट। ठीक, अच्छा थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए ये बताइए क्योंकि इंस्टॉलेशन ऑन ग्रिड वगैरह आप कर रहे हैं? जी दानिश भाई, हम लोग जो ना ADB लाइसेंस अप्रूव्ड है और ऑन ग्रिड सिस्टम में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, 1 से लेके 500 किलोवाट तक की अप्रूवल हमारे पास है, तो मिनिमम हम लोग 10 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, और रेट के हवाले से बात कर लें तो 115, 120 रुपये, 125 रुपये पर वाट के हिसाब से सिस्टम डिपेंडेंट है, इक्विपमेंट क्या यूज़ हो रहा है, क्या प्राइसिंग है, एसी अर्थिंग, डीसी अर्थिंग, एलिवेटेड स्ट्रक्चर, पैनल, इंस्टॉलेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, तो जैसा बजट होगा, जैसे क्वालिटी आप चीज़ की डलवाना चाहेंगे उस हिसाब से बजट होगा। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटे घर हैं, जैसे दो कमरों का घर है, तो आप उसके लिए कोई पैकेज बता जी, सकते हैं? हमारे पास 2.5 का भी पैकेज है, 4 किलोवाट का भी पैकेज है, जैसे इन्हीं इन्वर्टर्स के साथ पैकेज बनता है, पैनल अच्छा। जोड़ के इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिकल, बट इसमें थोड़ा ये है कि इलेक्ट्रिकल टीम काफी ज्यादा जो ना बिजी हुई है क्योंकि काम बहुत ज्यादा आया हुआ है, तो हफ्ता 10 दिन तक तो वेटिंग टाइम लगा हुआ है लोगों का, शेड्यूल विजिट होने में भी तकरीबन मेरे 12-13 विजिट्स हैं जो शेड्यूल ही नहीं हुए अभी तक, टाइम लगेगा, तो बेहतर यही है कि जब जितना जल्दी हो सके अपना ऑर्डर प्लेस करें, अपना शेड्यूल करा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो पॉसिबिलिटीज है अच्छे से अच्छे रेट में करके देंगे। ठीक, अच्छा अब आखिरी में एड्रेस लोकेशन और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें। भाई एड्रेस हमारा है अल नजीबी टावर, स्टार सिटी मॉल के बिल्कुल सामने, जहांगीर पार्क की बैक साइड, सदर कराची, अल नजीबी टावर में ग्राउंड फ्लोर पे G158 से लेके 169 तक। ठीक, बहुत शुक्रिया, काफी इंफॉर्मेशन दी और काफी अच्छे रेट दिए आपने, बहुत शुक्रिया। बस मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा व्यूअर्स के लिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं काइंडली प्राइसिंग का भी ख्याल कीजिएगा कि अभी जो वीडियो देख रहे हैं उसके हवाले से आज रेडी स्टॉक उसके रेट दिए मैंने, स्टॉक खत्म हो जाता है न्यू स्टॉक आता है तो उसके रेट भी फिर बिल्कुल उसके रेट की कोई गारंटी नहीं है क्या होता है, नीचे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। मैं एक टाइम था जैसे आज मैंने आपको 4 किलोवाट का 180 रेट दिया, 2-3 दिन पहले ये 175 का भी सेल हो रहा था, तो 10 पे भी गया था रेट, तो रेट अप डाउन होता रहता है। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं काइंडली आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉल या मैसेज कर लें क्योंकि यहाँ पे मुझे सिग्नल का भी इशू है और टाइमिंग का भी थोड़ा ख्याल कीजिए कि 12 बजे से 8-9 बजे तक आप कॉन्टैक्ट अवेलेबल है, मगर व्हाट्सएप फैमिली टाइमिंग भी ना फैमिली टाइमिंग हो जाती है, फिर लोग अक्सर 4 बजे कॉल करते हैं, 2 बजे कॉल करते हैं, 3 बजे कॉल करते हैं, तो वो मैं नहीं उठाता। ठीक ठीक, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।